खबरों की नई पहचान। तिरंगा यात्रा को लेकर धनबाद के कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा निकाला, जो धनबाद स्टील गेट से होते हुए धनबाद रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेश ठाकुर सहित झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करने का संकल्प लिए हैं। वहीं धनबाद में पैदल यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूदा केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कहा, गांधी के हत्यारे हमें गांधीगिरी सिखा रहे हैं और देश की भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं। युवा बोले राहुल गांधी, महिला बोले राहुल गांधी, मिलकर बोलो राहुल। हमारे वीर जवानों का देश है, यह देश सूफी संत महात्माओं का देश है और इस देश में हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपने रक्त की बूंदों से इस देश का इतिहास, इस देश का मुस्तकबिल लिखा है। और आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिनके कंधों में इस देश की मुस्तकबिल है, इस देश की शांति, सद्भाव, प्रेम, विश्वास, विकास की बागडोर है, जो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना सिखाता हो, सत्य और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करना सिखाता हो, पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचार को मानती हो, उस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यदि हिंदू और मुसलमान किया जाएगा, शमशान और कब्रिस्तान किया जाएगा, दिवाली और ईद में नफरत पैदा करने का काम किया जाएगा और महापुरुषों की मूर्ति छोटी बड़ी करके इस देश के सियासत में अपने मुफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस मां भारती को, मादरे वतन को कमजोर करने का काम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चूंकि हमारा इतिहास है बलिदान का, हमारा इतिहास है कुर्बानी का, हमारी इतिहास जो है हमारे महात्मा गांधी के त्याग, तपस्या, बलिदान, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ना जाने कितने लाखों वीर सेनानियों ने इस देश की आजादी का इतिहास रचा और गढ़ा है। और उस समय ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में है, उसके लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, लेकिन आज ये झूठे लोग, मक्कार लोग, आज इस देश के जो है सबसे वफादार श्रेणी में खड़े होकर मां भारती के नाम पर एक दूसरे में नफरत पैदा कर रहे हैं। हमारा देश विविधता में एकता का देश, प्रेम विश्वास का देश, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश, लेकिन हम कहते हैं कि जिनके हाथ में हमारी बागडोर है, वो लोगों ने तो हमारे देश के राष्ट्रपिता को भी सीने पर गोलियां मारने का काम किया था। जो राष्ट्रपिता कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पति तपोवन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और वो वृद्ध महात्मा जब प्रार्थना सभा को जा रहे थे तो ये आरएसएस के लोगों ने उनके सीने पर भी गोलियां दागने का काम किया और उनकी भी हत्या करने का काम किया। ये वो लोग हैं जिनके आज भी दामन में जो है, आज भी उनके दामन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खून के छींटे हैं। और वो क्या कहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। खबरों की नई पहचान।